अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल सलमान टेक। आज मैं आपको अपने टेक के चैनल की वीडियो में आप सबसे पहले वीडियो में अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज इसमें मैं अपने ना काफ़ी सारे, जैसे कि हमारे डेल के सिस्टम्स हैं, HP के सिस्टम्स हैं, मैं ना मेरे दोस्त कह रहे थे आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा नए चैनल पर मैं सबसे पहले अपने इसके नाम से बनाऊँगा, मतलब डेल के सिस्टम्स के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा आपको, जो आपको मुनासिब रेट पे मिले आपको वो भी बताऊंगा। जैसा कि काफ़ी सारे डेल के सिस्टम्स हैं, उनमें से मैं आपको आज सबसे पहले बताऊंगा T1600 के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, उसका डिस्प्ले दिखाऊंगा कैसा होता है वो, कैसा नहीं होता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, टाइम ज़ाया नहीं करते। तो सबसे पहले ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये सिस्टम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिस्टम मैंने यूज़ किए हुए हैं, बल्कि भी अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो जो सिस्टम मैं आपको बताऊँगा, जो मेरे यूज़ में, मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा, फिर आप देख लीजिएगा, जो आपकी पहुँच में हो आप वो उसको देख लीजिएगा। तो चलते हैं, मैं ये सबसे पहले आपको इसका दिखा देता हूँ। ये टावर बेस, ये वर्क स्टेशन होते हैं, जो सिस्टम है ना, ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये वर्क स्टेशन है। सबसे पहले मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाता हूँ, इसकी इमेजेस कैसी हैं, ये देखने में कैसा है, ये आप देख सकते हैं इसकी लुक वाइज। सबसे पहले तो इसकी ये स्पेसिफिकेशन में तकरीबन ये आपको बहुत कम बजट में मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसकी प्राइस भी लिखी हुई है, ये 11,500 PKR में है, ये अब तो आउट ऑफ स्टॉक है। इसका जो वो ब्रांड है वो डेल है, ये इंटेल कोर i5 है, फर्स्ट जनरेशन है। अब इसमें आप थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन भी ले सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये टावर है, टावर शेप होता है। इसकी जो पावर सप्लाई की बात करूँ, इसकी पावर सप्लाई जो होती है आई थिंक 500 MW होती है, तो ये कम बजट की पावर सप्लाई है, इतनी पावर सप्लाई यूज़ नहीं होती। आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं, ये इसकी फ्रंट एलोकेशन लुक भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और ये रीज़नेबल प्राइस में है, ये T1600 जो सिस्टम है। तो अगर सिस्टम ये वर्क स्टेशन है, मतलब वर्क स्टेशन मीन्स आपको पता ही होगा कि दिन रात अगर चलाएं तो कोई इशू नहीं होता, सिस्टम अक्सर ख़राब हो जाते हैं अगर वो कम, अगर आप उन्हें दिन रात चलाएं। तो यहाँ पे आपको इसकी ये इमेज भी देख सकते हैं, इसमें 4 USB पोर्ट्स होती हैं, माउस पोर्ट्स होती हैं, और LED लाइट से आपको वो बताते हैं कि कितने, एक पे आप माइक का और एक पे आपका ना एयरफोन यूज़ कर सकते हैं आप, ये दोनों सिस्टम इसके दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप क्या कहते हैं, DVD रोम और CD रोम भी यूज़ कर सकते हैं। ये कम बजट में एक अच्छा सिस्टम है और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है। मेरा सजेशन यही है कि आप अगर कम बजट में बनाएं तो ये T1600 को ही बनाएं, ये ज़्यादा बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचता रहे और आप टेक की वीडियो से खूब इंजॉय कर सकें और अपने फ़ायदे की चीज़ें भी सीख सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।